आप देखिएगा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कल का दिन जो है उसमें थ्योरम भी कराई गई थी और न्यूमेरिकल भी कराए गए थे। आज का दिन लेकिन पूरा थ्योरम थ्योरम के नाम रहेगा और उसमें कोई भी जो है अभी न्यूमेरिकल नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जिस जगह जाकर के न्यूमेरिकल होंगे उसकी थ्योरम को आने में भी टाइम लगेगा। आगे लॉरेंट थ्योरम आएगी उसके न्यूमेरिकल होने हैं। आप देखिएगा आर्टिकल 5.20 है, मोरारे थ्योरम में देखिएगा, इफ एफ जेड इज कंटीन्यूअस फंक्शन इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड ए इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 देन एफ जेड इज एनालिटिक इन डी वेयर सी इज रेक्टिफिएबल क्लोज कर्व इन डी। अब आपकी जो थ्योरम है वो थ्योरम ये कहती है, जो मोरारे थ्योरम है, मोरारे थ्योरम ये कह रही है कि अगर किसी को में डोमेन डी में आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी कि आपका फंक्शन एफ जेड जो है वो कंटिन्यूस है और इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 है, तो आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो उस डोमेन में एनालिटिक होगा। तो ये जो मोरारे थ्योरम है ये एक तरह से आपकी जो कॉशी थ्योरम है उसका कन्वर्स है, यानी कि आप इस हेडिंग में ऐसे भी डाल सकते हैं कन्वर्स ऑफ कॉशी थ्योरम। यानी कि जो स्टेटमेंट है वो कन्वर्स है कॉशी थ्योरम का। कॉशी थ्योरम ये कहती है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 होगी। अब आप क्या कह रहे हैं, एफ जेड आपका कंटिन्यूस फंक्शन है और डोमेन डी में कोई आप सिंपल क्लोज कर्व अगर लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है तो फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। अब हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो होते हैं जो डिफरेंशियबल फंक्शन होता है। तो डिफरेंशियबल फंक्शन होने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एफ डैश जेड निकालेंगे। अब ऐसे कर लेते हैं, देखिएगा प्रो इंटीग्रल वी कंसीडर द इंटीग्रल, वी कंसीडर द इंटीग्रल, एक इंटीग्रल लीजिएगा, इसे मान लीजिएगा कैपिटल एफ जेड, इंटीग्रेशन मान लीजिएगा जेड 0 से जेड और कोई नया वेरिएबल डाल दीजिएगा एफ टी डी टी। यहाँ पर नया वेरिएबल जो है वो टी लिया गया है और जेड नॉट, जेड तो हमारा वेरिएबल पॉइंट है लेकिन जेड नॉट जो है वो फिक्स्ड है। जब इंटीग्रेशन होगा तो फंक्शन जेड का आएगा क्योंकि जेड नॉट तो हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ लिख ही देते हैं वेयर जेड नॉट इज फिक्स्ड पॉइंट। जब जेड नॉट हमारा फिक्स्ड पॉइंट का फंक्शन में इसकी वैल्यू डाली जाएगी तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा तो वेरिएबल जो है हमारा जेड हो जाएगा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए दो वैल्यू चाहिए होते हैं, एफ जेड चाहिए होता है और एक एफ जेड प्लस ए चाहिए होता है। अब इसका पड़ोसी पॉइंट ले लेते हैं, लेट जेड प्लस एच बी नेगेटिव पॉइंट ऑफ जेड, ये जेड का नेगेटिव पॉइंट है तो ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब एफ जेड प्लस एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड नॉट से जेड प्लस एच एफ टी डी टी इक्वेशन 2, ये दूसरा पॉइंट हो गया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब मुझे एफ जेड माइनस एच माइनस एफ जेड लाना है तो मैं दोनों को माइनस करके फिर एच से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड नॉट से जेड हो जाएगा और इंटीग्रेशन जेड नॉट से जेड प्लस एच हो जाएगा एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन जेड नॉट से जेड एफ टी डी डी, माइनस की लिमिट पलट दीजिएगा तो जेड नॉट से जेड नॉट प्लस एच एफ टी डी डी प्लस जेड से जेड नॉट एफ टी डी डी। अब यहाँ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, देखिएगा उल्टा पढ़ना ही से जेड नॉट से जेड नॉट जा रहे हो जेड नॉट से जेड नॉट प्लस एच तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी जेड से जेड प्लस एच एफ टी डी डी। अब जो मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन है उस फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन के लिए अपॉन में एच आना जरूरी है और एच यहाँ पर तब बनेगा जब एफ टी जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस की डेफिनेशन में यहाँ लगाने वाला हूँ तो इंटीग्रेशन करके मेरा एच जो है वो बचा रह जाएगा इंटीग्रेशन से। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, अब यहाँ पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम लगाने वाले हैं यहाँ पर एफ टी डी टी है। अब एक टर्म जो है मुझे यहाँ पर जो है एच बनाना होगा, यहाँ पर जेड नॉट से जेड नॉट हो जाता है। अब एफ जेड प्लस एच माइनस क्या है एफ जेड, और फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए बनाना है मुझे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा, चूंकि फंक्शन ऑफ जेड प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जेड अपॉन एच,
देखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है वो वैल्यू मैं बना चुका हूँ, है ना। अब इधर मैं आंसर डालने वाला हूँ, आप देखिएगा स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन करके कैपिटल एफ है। अब इक्वेशन नंबर वन ये कह रही है, इक्वेशन नंबर वन आपकी कह रही है कि स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो कैपिटल एफ आएगा, तो अब उल्टा पढ़ो इसे, तो कैपिटल एफ का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो स्मॉल एफ आ जाएगा, और जब इसमें लिमिट में लगाऊंगा एस टेंस टू जीरो तो ये एफ डैश जेड बन जाएगा ना, तो कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके स्मॉल एफ आना चाहिए, तो इसमें माइनस का ये और डाल देते हैं एफ जेड दोनों तरफ, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच एफ टी डी टी और माइनस का एफ जेड। अब देखिएगा यहाँ पर एफ जेड जो है डाल दिया है, अब यहाँ पर अपॉन में ये एक चीज और रह गई, यहाँ पर वन अपॉन एच और आएगा, तो वन अपॉन एच वहां लेते हैं, ये हो जाता है जेड से जेड प्लस एच ब्रैकेट बना लेते हैं, और ये एफ टी डी टी हो जाता है, और माइनस का यहाँ हो जाता है एच एफ जेड। अब यहाँ जो h है ना उसे इंटीग्रेशन में मैं कन्वर्ट करता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चूंकि h इक्वल टू इंटीग्रेशन z से z प्लस h और dz, इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना। ये एक काम कर लेते हैं, वेरिएबल p चला रखा है तो यहाँ पर वेरिएबल d डाल देते हैं, और जब इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू एच आ जाएगी, तो एच की जगह जब भी आप ये इंटीग्रेशन डालेंगे तो ये इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष है, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या चल रहा है एफ जेड चल रहा है, तो एफ जेड बाहर रखो या अंदर रखो तो कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, तो आपकी लाइन ऐसा बन जाती है, अब ये हमारी लाइन बन जाएगी वन अपॉन एच आ जाएगा, इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एफ जेड डी टी। अब आप हमारा बन जाता है एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन एच, और यहाँ बन जाता है हमारा इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच, और ब्रैकेट में आ जाता है हमारा एफ टी माइनस एफ जेड और बाहर डी टी, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखा देते हैं, एफ जेड यानी कि एफ टी जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कंटिन्यूटी फंक्शन की डेफिनेशन लगा देते हैं और एप्सिलॉन लाने की तैयारी कर देते हैं। अब मैंने पीछे वाली वीडियो में ही बताया था कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तो आप याद कर लीजिएगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, सिंस एफ टी इज कंटिन्यूस, सिंस एफ टी इज कंटिन्यूस इन डोमेन डी, इन डोमेन डी देयर एग्जिट्स डेल्टा ग्रेटर देन जीरो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड एफ टी माइनस एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड टी माइनस जेड लेस देन डेल्टा। अब ये इक्वेशन है, ये एफ टी माइनस एफ जेड का मोड बन चुका है ना, और देखिए शर्त बनी है टी माइनस जेड जो है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को मुझे यहाँ यूज करना है तो मैं इसका मॉडुलस ले लेता हूँ, तो ये हो जाता है बाय इक्वेशन 3 मोड कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ हो जाता है मोड वन अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच ब्रैकेट में एफ टी माइनस एफ जेड और यहाँ डी डी। अब इंटीग्रेशन के अंदर अगर मोड जाएगा तो लेस देन इक्वल लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा लेस देन इक्वल, तो ये हो जाएगा वन अपॉन मोड एच इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच मोड एफ टी माइनस एफ जेड और यहाँ मोड डी डी। अमोड एफ टी माइनस एफ जेड की वैल्यू ये है एप्सिलॉन है ना, अब बड़ी वैल्यू रख रहा हो तो राइट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी, तो इक्वल हटा दीजिएगा यहाँ से, लेस देन वन अपॉन मोड एच इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच है ना,
जेड से जेड प्लस एच, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन मोड डी टी, एप्सिलॉन का बाहर आ जाएगा लेस देन वन अपॉन मोड एच। ये अगली लाइन में लिख देता हूँ, ये हो जाता है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मोड एच हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जेड से जेड प्लस एच लिमिट हो जाएगी और मोड डी टी। अब मोड डी टी का इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मोड लेंगे, तो वो मोड एच ही हो जाएगा। तो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मोड एच इनटू मोड एच, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन बन जाएगा। तो आपका आ गया मोड कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड एच अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन। ये ध्यान रखना पूरे कॉम्प्लेक्स में ना, जब भी कोई थ्योरम करेंगे और किसी भी वैल्यू को जीरो बनाना होगा, तो दिमाग में एक बात बैठा लो, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि वो जीरो में जा रही होगी। अब जो एप्सिलॉन होता है, हमेशा ध्यान रखना वो आर्बिटरी होता है, वो छोटे से छोटी राशि होती है। तो मैं एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो बार डालने वाला हूँ जब एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अब ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर ये एप्सिलॉन आ जाता है, सिंस एप्सिलॉन आर्बिट्री, सो एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो एज एच टेंड्स टू जीरो। तो एप्सिलॉन जो है वो जीरो में चला जाएगा जब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लगेगी। तो मोड की वैल्यू जीरो से छोटी होती नहीं है, मोड माइनस होने का नहीं, ये आपकी डेफिनेशन कह रही है। तो संभावना एक ही है कि जो मोड की वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए, और मोड की वैल्यू जीरो तब होती है जब मोड खुद जीरो का लिया जाए। तो यानी कि मोड के अंदर रखी हुई जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। तो आपकी कंडीशन हो जाती है लिमिट एच टेंस टू जीरो कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच और माइनस स्मॉल एफ जेड इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो फार्मूला है ये बन जाता है एफ जेड जेड इक्वल टू स्मॉल एफ जेड। अब कैपिटल एफ का क्या हो रहा है, डैश, कैपिटल एफ का डैश अगर हो रहा है तो कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है, लेकिन डिफरेंशिएशन करके वैल्यू क्या रही है, स्मॉल एफ आ रही है, और जिसका डिफरेंशिएशन उपस्थित होता है वो फंक्शन हमारा एनालिटिक कहलाता है। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं, अब हम यहां से दो लाइन देखेंगे पीछे वाली थ्योरम की, सिंस एफ डैश जेड एग्जिस्ट्स इन डोमेन डी, सो कैपिटल एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी। अब लास्ट वाली वीडियो में एक थ्योरम होमवर्क में दी थी तुम्हें, है ना, उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि कोई एनालिटिक फंक्शन अगर होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी एनालिटिक होगा। अब उसको वी नो दैट में करके डालेंगे, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो एनालिटिक, सो कैपिटल एफ डैश जेड। अब कैपिटल एफ जेड डिफरेंशिएबल हो गया है तो वो एनालिटिक हो गया। जब एफ जेड एनालिटिक हो गया तो थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी एनालिटिक हो जाएगा। सो एफ डैश जेड और कैपिटल एफ डैश जेड की वैल्यू स्मॉल एफ जेड है, और एफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक इन डोमेन डी, और इस तरह से जो हमारी थ्योरम है वो प्रूफ हो जाती है। अब देखिएगा ये अभी नेक्स्ट आर्टिकल 5.22 है, कॉशी एनालिटिक, ये तो बहुत छोटा सा है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक गिवन ए सर्कल सी मोड जेड माइनस एच इक्वल टू कैपिटल आर। कोई सर्किल सी है जिसकी इक्वेशन मोड जेड माइनस एज इक्वल टू कैपिटल आर है और फंक्शन जो है उसके अंदर एनालिटिक है। दूसरी प्रॉपर्टी, एंड इफ मोड एफ जेड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल एम, और मोड एफ जेड की जो वैल्यू है वो कैपिटल एम से जो है इक्वल है या छोटी है, तो कैपिटल एम से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता वो, तो कैपिटल एम जो है ना ऐसे केस में अपर बाउंड कहलाता है। देन प्रूफ कहता है मोड एफ एन ए लेस देन इक्वल एम फैक्टोरियल एन अपॉन आर टू द पावर एन।
अब एफ एन ए है ना, तो ये nth डेरिवेटिव हो गया, तो पीछे थ्योरम करी थी हमने nth डेरिवेटिव की, तो nth डेरिवेटिव वाला जो कॉची इंट्रीगल फार्मूला था ना उसे लगा कर, जिससे कल सवाल कर रहे थे उसे लगा करके सिर्फ उसका मोड ले लो। अब ऐसे ले लेते हैं, वी हैव एफ एन इज इक्वल टू आया था 1 अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1 इसको इंप्लाइज मोड एफ एन ए। अब मोड एफ एन ए जब अंदर लेकर के जाओगे ना, तो चलो अभी तो ऐसे लगा देता हूँ, मोड फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1। अब इंटीग्रेशन लग रहा है ना, तो जब मोड अंदर लेकर के आओगे तो लेस देन इक्वल लगा देना और आई को हटा देना, क्योंकि आई का मोड तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल फैक्टोरियल एन बटे 2 पाई इंटीग्रेशन से मोड एफ जेड मोड डी जेड अपॉन मोड जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1। अब एफ जेड की वैल्यू उठा लो, गिवन मोड एफ जेड लेस देन इक्वल है एम के, अब ये वैल्यू हटा करके m डाल दो तो लेस देन इक्वल m बाहर आ जाएगा, m फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन c मोड dz अपॉन मोड z माइनस a टू दी पावर n प्लस 1। अब इंटीग्रेशन c पर हो रहा है ना, c की इक्वेशन उठा लो, c इज सर्कल मोड z माइनस a इक्वल टू r z माइनस a इक्वल टू r e की पावर i थीटा dz is equal to r i e की पावर i थीटा d थीटा मोड dz r आ जाएगा, i का मोड बन हो जाएगा, e की पावर i थीटा का मोड बन हो जाएगा या d थीटा होगा। d थीटा को मोड की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल जो है वो रियल होते हैं, तो यहां से आपका आ जाएगा इधर इधर चल रहा था आपका मोड f n a और यहां लेस देन इक्वल m फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई सर्किल पर चल रहे हो, सर्किल पर चल रहे हो तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई की लिमिट ले लोगे, 0 टू 2 पाई मोड dz की वैल्यू r d थीटा हो जाएगी और मोड z माइनस r की जो वैल्यू है वो r टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगी। अब यहां से r टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगी तो लेस देन इक्वल m फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई। अब यहां जब ये कट जाएगा तो r टू दी पावर n बचेगा नीचे, ऊपर लेके जाएंगे तो r टू दी पावर माइनस के n हो जाएगा यहाँ z माइनस। हाँ एक चीज और है, हाँ r माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होता है d थीटा के सापेक्ष होना है तो r की पावर 1 हो जाएगी 0 से 2 पाई और d थीटा, जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे d थीटा का तो इंटीग्रेशन करके 2 पाई आएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आपका रिजल्ट तैयार हो गया। मोड एफ एन ए लेस देन इक्वल एन फैक्टोरियल एन अपॉन आर टू दी पावर एन प्रूव। और इस तरह से जो आपकी थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट ना 5.23 है इंटीग्रल फंक्शन और दूसरा नाम है एंटायर फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है ना वो पूरे जेड प्लेन में अगर एनालिटिक हो जाता है तो उसे इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं, यही डेफिनेशन है एक लाइन की बस इसकी। देखो ए फंक्शन विच इज एनालिटिक इन द एंटायर जेड प्लेन इज कॉल्ड इंटीग्रल फंक्शन, है ना, ये सीधी सी डेफिनेशन है। उसके बाद 5.24 है ल्यूवेल थ्योरम, अच्छी थ्योरम है ल्यूवेल थ्योरम और बहुत सिंपल थ्योरम है। देखो ल्यूवेल थ्योरम क्या कहती है, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड, जेड की सभी फाइनाइट वैल्यूज के लिए, यानी कि जेड की कोई सी वैल्यू ले सकते हो। अब जेड की अगर तुम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो तो हर जगह फंक्शन एनालिटिक हो गया। और ऊपर वाली डेफिनेशन ये कह रही है कि जो फंक्शन हर जगह एनालिटिक होता है, एवरीवेयर एनालिटिक होता है, यानी कि पूरे जेड प्लेन में एनालिटिक होता है, तो वो इंटीग्रल फंक्शन कहलाता है। तो यानी कि ये वाली थ्योरम तभी लगेगी जब आपका फंक्शन जो है वो हर जगह एनालिटिक हो, ऐसे कह लो या ऐसे कह लो कि वो एक इंटीग्रल फंक्शन होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई एंड इज बाउंडेड, और दूसरी शर्त यह है कि वो बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि उसका मान जो है किसी रियल वैल्यू कोई मान के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो आपके आपके फंक्शन के पास दो प्रॉपर्टी हो गई, एक तो यह है कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए यानी कि हर जगह वो एनालिटिक होना चाहिए, और दूसरा है कि वो बाउंडेड होना चाहिए, एक है कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो थ्योरम कहती है कि वो फंक्शन जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। अच्छा कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या कहता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन ये कहता है कि फंक्शन के आगे कितने भी मान रख दो उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो मैं इसमें क्या करूंगा, दो पॉइंट ले लूंगा, है ना,
अपना डोमेन में सर्किल ले लूंगा, फिर उसमें दो पॉइंट ले लूंगा, उन दोनों पॉइंट पर जाकर के कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाऊंगा और एफ ए और एफ बी मतलब दो पॉइंट ए और बी ले लिए ना, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि एफ ए और एफ बी जो है वो बराबर होने चाहिए। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन है। आइएगा सॉल्यूशन, देखिएगा एक सर्किल लीजिएगा, ये सर्किल सीन एरिया में है, सेंटर ओरिजिन हो गया, रेडियस हो गई आर, और इसमें कहीं भी अपनी मर्जी से दो पॉइंट ले लीजिएगा, एक ए ले लीजिएगा कहीं और एक बी ले लीजिएगा। अब ये पॉइंट ना मेरे सर्किल के अंदर आ गए, तो इसमें मैं ए पर और बी पर जाकर के इंटीग्रल फार्मूला लगा लूंगा, और यहाँ पर जो मैंने सर्किल माना है ना, उस सर्किल की खास बात यह है जो इसकी रेडियस कैपिटल आर है वो बहुत लार्ज है, यानी कि सबसे लास्ट में जाकर के मैं इसमें इनफाइनाइटी लगाऊंगा। तो अगर रेडियस बहुत लार्ज है तो आप ना कॉम्प्लेक्स के कोई से भी दो पॉइंट ले लो, गारंटी वो सर्किल के अंदर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब ऐसे ले लेते हैं, कंसीडर ए सर्किल सी कॉमा मोड जेड इक्वल टू आर, वेयर आर इज वेरी लार्ज, ये कंडीशन ले लो, सर्किल सी ले लो, इक्वेशन मोड जेड इक्वल टू आर ओ बी, वेयर आर इज वेरी लार्ज, जहां आर बहुत बड़ा है, लेट ए कॉमा बी आर एनी टू पॉइंट्स विद इन सर्किल सी। अब इस सर्किल सी के अंदर ना कोई पॉइंट ले लो, एक ए कह दो और एक बी कह दो। अब आ जाइएगा बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, एक तो आपका एफ ए हो जाएगा वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, दूसरा आपका एफ बी हो जाएगा वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस बी, इस टू इम्प्लाइज इन्हें माइनस कर दीजिएगा, एफ ए माइनस का एफ बी वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन जेड माइनस ए माइनस वन अपॉन जेड माइनस बी डी जेड, तो यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड के साथ ऊपर ए माइनस बी आ जाएगा, नीचे जेड माइनस ए आ जाएगा, जेड माइनस बी आ जाएगा और डी जेड आ जाएगा, सही है ना। अब इनका मैं मॉडुलस ले लेता हूँ, इस टू इम्प्लाइज मोड एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल लगा दिया, देखो मैंने ना मोड में अंदर ले जा रहा हूँ, आई नहीं आने का मोड लगने के बाद, तो वन अपॉन टू पाई आ जाएगा इंटीग्रेशन सी आ जाएगा मोड एफ जेड आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मोड ए माइनस बी और नीचे आ जाएगा मोड जेड माइनस ए और मोड जेड माइनस बी और यहाँ मोड डी जेड। तो अभी जो है ना मेरा मोड जो है वो अलग अलग चला गया है ना। अब ये मेरी प्रॉब्लम ना यहाँ पड़ेगी जेड माइनस ए और जेड माइनस बी, है ना। अब इसे मैं ऐसे करता हूँ, चूंकि अगर मोड जेड वन माइनस जेड टू है तो वो होता है ग्रेटर देन इक्वल मोड जेड वन माइनस मोड जेड टू, लेकिन ये वाली वैल्यू ना मेरी बटे पे पड़ी हुई है तो इसे वन अपॉन कर दो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन मोड जेड वन माइनस जेड टू लेस देन इक्वल वन अपॉन मोड जेड वन माइनस जेड टू, वन अपॉन मोड जेड वन माइनस जेड टू। अब ये वाली ना वैल्यू यहाँ पर यूज कर दो, यहाँ पर ये वाली वैल्यू यूज कर दो, ये ध्यान रखना यहाँ पर ना लेस देन इक्वल लगा हुआ है तो राइट हैंड साइड बड़ी है, तो राइट हैंड साइड में तुम कितनी भी बड़ी वैल्यू रख सकते हो, आपकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, किसी बच्चे ने लिख रखा था तीन लेस देन पांच, तीन पांच से छोटा है और बच्चे ने कर दिया ये कर दिया तीन लेस देन सात, तो नियम थोड़ी गलत हो जाएगा। तुम तो ये कह रहे हो कि तीन पांच से छोटा है, तीन अगर पांच से छोटा है तो वो सात से दस से पचास से इक्कीस से भी छोटा है, तो अगर लेस देन इक्वल लग रहा है तो तुम्हें अधिकार है राइट हैंड साइड में बड़े से बड़ी वैल्यू लेने का, तो राइट हैंड साइड में बड़ी वैल्यू डाल सकते हो। अब यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये बड़ी वैल्यू है ना, तो ये मेरी छोटी वैल्यू है। अब इसे हटा करके जब मैं बड़ी वैल्यू इस वाले नियम के अनुसार डालूंगा तो मोड ना अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाता है
अब ये हो जाता है लेस देन इक्वल मोड ए माइनस बी बाहर आ जाएगा अपॉन में 2π बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन सी, ये हो जाता है मोड एफ जेड और मोड डी जेड, मोड डी जेड है ना, और नीचे आ जाता है मोड जेड माइनस मोड ए और दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है मोड जेड माइनस का मोड बी, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं तैयारी करता हूँ एफ जेड को हटाने की, उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ कि एफ जेड जो है वो मेरा बाउंडेड फंक्शन है तो उसकी कोई ना कोई निश्चित मान जरूर होगा। अब ऐसे लिख लेता हूँ गिवन दैट एफ जेड इज बाउंडेड इन जेड प्लेन सो देयर एक्सिस ए पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल एम सच दैट मोड एफ जेड ग्रेटर देन इक्वल एल। अब ये देख लेना जैसे बाउंडेड फंक्शन है तो बाउंडेड फंक्शन के मान जो है ना किन्हीं दो निश्चित मानों के बीच फंस जाएंगे, तो यानी कि उसके पास एक सबसे छोटा भी होता है एक सबसे बड़ा भी होता है, सबसे छोटी वैल्यू इनफीमम और सबसे बड़ी वैल्यू सुप्रीमम कहलाती है, बीएससी पार्टन में भी सिखाया था है ना। तो छोटी वैल्यू की तो मुझे कभी जरूरत पड़ेगी नहीं कॉम्प्लेक्स पढ़ाते समय, तो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ना नॉर्मली वैसे तो कुछ भी लिख लो लेकिन जब सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं ना तो उसे नॉर्मली स्मॉल एम लिख देते हैं, ये रियल में सीखोगे जब फर्स्ट पेयर पढ़ोगे तो, और सबसे बड़ी वैल्यू लेनी हो तो कैपिटल एम रख देते हैं। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ डाल दो बाई इक्वेशन 1, तो इधर हो जाता है मोड एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल मोड ए माइनस बी अपॉन 2π इंटीग्रेशन सी, एम बाहर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा मोड डी जेड अपॉन मोड जेड माइनस मोड ए, अब ये हो जाएगा ब्रैकेट में मोड जेड माइनस मोड बी इंटीग्रेशन सी पर कर रहा हूँ क्योंकि सी इज मोड जेड इक्वल टू आर जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा डी जेड इक्वल टू आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा जिसको इंप्लाइज मोड जेड इक्वल टू आर और डी थीटा, आर रेडियस है ना इस पर भी मोड लगाने की जरूरत नहीं है, उठा करके वैल्यू डालो तो ये हो जाता है मोड एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल एम अपॉन इंटू मोड ए माइनस बी अपॉन 2π है ना। अब ये हो जाता है इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2π हो जाएगी, ये आर डी थीटा हो जाएगा मोड जेड की वैल्यू आर माइनस मोड ए और ये हो जाएगा आर माइनस मोड बी। अब देखो इंटीग्रेशन ना थीटा के साथ कर रहा हूँ, आर कांस्टेंट है ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू बाहर ले जाओगे तो डी थीटा का जब इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा आ जाएगा, लिमिट रखने के बाद 2π आ जाएगा, तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल हो गया एम मोड ए माइनस बी अपॉन 2π पहले ब्रैकेट में मोड आर माइनस ए मोड ए दूसरे ब्रैकेट में मोड आर माइनस का मोड बी इंटीग्रेशन करके 2π आ गया, 2π से 2π कैंसिल एक ऊपर ये वाला आर आ गया सही है। अब आर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है मोड एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल एम मोड ए माइनस बी और नीचे एक आर बचा रह जाएगा 1 माइनस मोड ए अपॉन मोड आर, सॉरी आर का मोड नहीं है आर तो रेडियस है, ए अपॉन आर और 1 माइनस मोड बी अपॉन आर। और जब सर्किल लिया गया था ना सबसे पहली लाइन में तो सर्किल में ये कहा गया था कि जो कैपिटल आर है वो लार्ज वैल्यू है तो सबसे बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ मैं पूरा, जब कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट डालूंगा ना तो पूरा प्लेन आ जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो एयर भी कहीं का भी बिंदु हो सकता है उसके बीच में, तो ऐसे ले लेते हैं सिंस आर इज वेरी लार्ज फॉर कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट देन आर एच एस टेंड्स टू जीरो।
अच्छा कैपिटल आर टेंस टू जीरो इनफाइनाइट डालोगे ना, तो ये देखो जीरो बन, ये जीरो बन जाएगा, तो ये वन बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, लेकिन अपॉन में जब इनफाइनाइट डालेगा तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। मोड की वैल्यू लेस देन इक्वल जीरो हो रही है तो मोड माइनस तो हो नहीं सकता, डेफिनेशन ये कह रही है कि हाँ सर प्लस नहीं आने का, तो बचा इक्वल। अब मोड की वैल्यू जीरो तब आ सकती है जब वो खुद जीरो हो, तो यहाँ से हो जाएगा मोड देन मोड एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो, इज टू इम्प्लाइज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब एयर भी ना सर्किल सी के अंदर दो पॉइंट लिए गए थे, जो वैल्यू ए रखने से आ रही है वो वैल्यू बी रखने से आ रही है, और एयर भी दिए तो थे नहीं तो आर्बिटरी पॉइंट थे, तो कोई से भी दो पॉइंट अगर अपनी मर्जी से रख देते हो तो फंक्शन उनकी बराबर वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन हर पॉइंट पर बराबर वैल्यू दे रहा है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट है। अब ऐसे ले लेते हैं, सिंस ए कॉमा बी आर आर्बिटरी पॉइंट्स Which prove that fz is constant function. तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो fz है वो हमारा एक constant function होगा, और इस तरह से हमारी theorem जो है वो complete हो जाती है। अब ये 5.24 हो गया है, 5.24 हो गया है। अभी इसमें से जो है, अभी इसमें से तीन चार थ्योरम जो है और है, अभी अभी जो है कल, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी थ्योरम की होगी, जहाँ तक है एक ना सबसे आगे लॉरेंट थ्योरम आएगी, तो वो हद से ज़्यादा बड़ी है, एक टेलर थ्योरम होती है एक लॉरेंट थ्योरम होती है, तो मैं क्या करता हूँ लॉरेंट थ्योरम तो उसमें दे देता हूँ, मैं लॉरेंट थ्योरम तो खुद कराता हूँ और टेलर थ्योरम जो है वो उसमें दे देता हूँ, लेकिन अब तो कोशिश करूंगा वीडियो है ना तो इसमें सारी थ्योरम कराएंगे, तो यानी कि नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो थ्योरम की ही रहेगी।